यहाँ इधर ही से स्वामी विवेकानंद, अभी मैं कन्याकुमारी का दृश्य दिखा रहा हूँ। इसी बोट द्वारा कन्याकुमारी जाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के टापू पर इसी जहाज से जाया जाता है। मैं आपको कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद स्मारक ले जा रहा हूँ अपने इस जहाज द्वारा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ यात्री लोग बेल्ट लगाकर स्वामी विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं, जहाज द्वारा जा रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। आज हम कन्याकुमारी के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ यादगार फोटो और वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब शेयर करें, मेरा चैनल धर्मराज सब्सक्राइब करें। जी हाँ, बोट द्वारा स्वामी विवेकानंद स्मारक जाती है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। जी हाँ, कन्याकुमारी में तीन सागर से मिलकर यहाँ त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर, अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ये तीनों मिलकर यहाँ कन्याकुमारी में मिलती है। जी हाँ, यह आप देख सकते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के दर्शन में कराने जा रहा हूँ। जी हाँ, इस बोट द्वारा देख सकते हैं, यहाँ लाइफ जैकेट द्वारा देख सकते हैं। स्मारक है, आज आपको मैं कन्याकुमारी विवेकानंद स्मारक के दर्शन कर सकते हैं। जी हाँ, लोग बाग यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं। अब मैं आपको जी हाँ, यह वो स्टेचू जो तमिल साहित्यकार का है। जी हाँ, इसी लाइफ जैकेट पहनकर स्वामी विवेकानंद स्मारक के लिए जाते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग बाग देखो, आके हुए लाइफ जैकेट पहनते हुए और स्वामी विवेकानंद का स्मारक के दर्शन करते हुए। जी हाँ, देख सकते हैं, यह स्वामी विवेकानंद स्मारक।